हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो एचआरडी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से इस कोरोना महामारी की अवधि में हमारे चेयरमैन मैत्री सर ने डायरेक्ट डिसीजन लिया है कि बच्चे जो घर पे बैठे हैं तो फ्री है, अब घर कुछ भी नहीं सकते हैं तो कोरोना बचाव के ही उपयोग है कि आप ऑनलाइन घर पे पढ़ाई करो यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं आपकी पहली रोजाना इसी तरह हर आधा घंटा ऑनलाइन आपकी क्लास दूंगा जिसमें मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम बंसीलाल बिश्नोई और आप सभी एचआरडी सदस्य माध्यमिक स्कूल की तरफ से आप सभी मेरे जानते ही हो। तो आपको जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, आप कमेंट्स में जो प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप हमें जरूर वापिस मैसेज करके कमेंट करके बताइए, कल वापिस मैं इसी समय आपको मिलूंगा। तो मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है संख्या पद्धति, यानी जो नंबर सिस्टम कहते हैं ना, नंबर सिस्टम यानी हर जगह काम आ रहा है, सिक्स से लेके नंबर सिस्टम, जो मतलब सिक्स से लेके टेन तक, नाइन टेन मैथ पार्ट और सिक्स सेवन एट नाइन टेन सब जगह काम आ रहा है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति ऐसे तो पांच प्रकार की होती है, लेकिन और भी है, लेकिन मैं भी पांच प्रकार से जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट है हमारी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ठीक है। और सेकेंड हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी आपकी नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको पूर्ण संख्या आ जाएगी आपके वो इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या होगी इंटीजर नंबर। पूर्णांक और एक आ जाएगी आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और तो मैं आपको ये संख्या थोड़ा बहुत सारा बता देता हूं। पूर्ण संख्या को अपन कहते हैं मूल नंबर, मूल नंबर ठीक है। पूर्णांक संख्या को अपन कहते हैं इंटीजर नंबर, जो एसएलसी से या एचआरडी से इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए मैं साथ में बता रहा हूं। और परिमेय संख्या को अपन कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब बात आती है, आपने बता दिया संख्या पद्धति, संख्या पद्धति और इसके बारे में और भी है, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या, सात दशमलव, सात दशमलव, लेकिन बहुत सारे, लेकिन मैंने जो मैंने आपको पांच टाइप से मैंने आपको बता दिया ठीक है। अब आती है प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो मैं आपको इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि प्राकृत संख्या होती है जो मतलब कैसा एग्जाम्पल बताइए आप इसका उदाहरण देकर बताऊ। तो प्राकृत संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है ठीक है, यानी एक दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेके इनफाइनिटी, इनफाइनिटी मतलब इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, इनफाइनिटी यानी अनंत, इनफाइनिटी अनंत ठीक है। अब आता है रूल नंबर एक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी है, जीरो से लेके अनंत, यानी पूर्ण संख्या का मतलब आया जीरो जिसमें जीरो भी सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित नहीं था। प्राकृत संख्या में एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू थ्री फोर लगभग इनफाइनिटी। फिर आती है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्या में भी दो टाइप होती है, दो टाइप मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं, जिसमें आती है दो टाइप में भी एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या, सम संख्या और सम यानी इवन नंबर और एक होती है आपके विषम संख्या। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सिक्स से सारा सिलेबस सिक्स से लेकर टेंथ तक यूज हो रहा है, तो सिक्स में भी ये सब जगह है, ये सारी चीजें जो यूज हो रही है मैं आपको बताता हूं। विषम संख्या को अपन कहते हैं ओड नंबर, ओड नंबर
अब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ सम संख्या का। सम संख्या का एग्जाम्पल क्या है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सम संख्या मतलब जो टू से डिवाइडेबल, यानी टू से जो डिवीजन हो रहा है इसका, जैसे टू फोर सिक्स एट डैश डैश करके अनंत। यानी अब आप कहते हैं सर जीरो भी आता है इसमें, तो हाँ यस जीरो आता है। कैसे आता है, क्यों आता है जीरो, क्योंकि जैसे टेन ट्वेंटी वो भी टू से डिवीजन होता है, तो इसी तरह जीरो के पीछे लगता है, इसलिए जीरो में भी सम कैसे सम संख्या में जीरो भी सम्मिलित है। ठीक है, फिर आता है विषम संख्या। विषम संख्या होती है वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे। ठीक है, इसमें टू का डिवीजन नहीं होता है, यानी नॉट डिवाइडेबल इन टू। ठीक है, अब आगे वास्तविक संख्या और विषम संख्या के बारे में, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सर आपने चार बता दिया, बताओ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको मैं बीच में बता रहा हूं, इससे पहले मैं आपको परिमेय संख्या आवाज लगा नहीं है, मैं यहां बता रहा हूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने कहा था आपको रैशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको अपर हिंदी में कहते हैं अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं अपर, परिमेय संख्या। तो अंश बटा हर के रूप में, यानी मैं अपर शब्द नहीं लिख रहा हूं, जिसको अपर अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या, यानी एन अपॉन डी, यानी एन अपॉन डी या ए बटा डी आप कुछ भी कह सकते हो उसे, यानी एन अपॉन डी या अंश बटा हर। अब मैं ये मैं आपको सब पढ़ रहा हूं, जगह नहीं है, शॉर्ट है, आपको बताइए मैं क्या हाथ होता है अंश बटा हर। ठीक है, तो अंश बटा हर के रूप में जिसको लिखते हैं या पी बटा क्यू के रूप में जिसको लिखते हैं, तो आप कहोगे सर एन बटा डी क्या, एन का मतलब इंग्लिश में जब आपको बता देता हूं नेचुरल नंबर में एन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसके रूप में अपन जिसको लिखते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि वन अपॉन थ्री फोर अपॉन फाइव ये सारे क्या है परिमेय संख्या, लेकिन इसमें एक और चीज है जिसको अपन एन अपॉन डी में ना लिखे, जैसे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव करके हंड्रेड तक हो भी क्या है परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे अपन क्या लिखते हैं अपॉन में मत होता है परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बारे में आपको बता दिया, अब कहते हैं इनफिनिटी क्या है अनंत क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन इससे पहले एक और परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या। यानी इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर फिर से बता देता हूं, इरेशनल नंबर यानी जिसे अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, नॉट इक्वल टू अपॉन पी अपॉन पी बटा क्यू अपॉन इक्वल टू जीरो, पी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जिसको अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में अपन इसको नहीं लिखते हैं, जो भी अनूट या दस फुलों में है वो क्या, दस फुलों में वो संख्या क्या पहली बताए, दस फुलों में वो किसी के नाम को कह देता हूं कि वो भी क्या होती है परिमेय संख्या होती है, जैसे 2.3 है तो ये क्या है, ये क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जैसे 3.5 क्योंकि पॉइंट रहेगा तो मतलब क्या देगा 10 35.10 ये क्या पढ़ रहा है p बटा q का मतलब है भिन्न बन रही है, भिन्न का मतलब मैंने आपको कहा लिया फ्रैक्शन, यानी भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, भिन्न बन रही है इसका मतलब जिसको भिन्नों के रूप में अपन लिखते हैं उसको कहते हैं परिमेय, और जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं उसको कहते हैं अपन अपरिमेय। तो इसमें एग्जांपल आता है अनरूट, अनरूट में रूट में अनरूट इन जिसके रूप में आता है जैसे रूट टू रूट थ्री रूट फोर, अब ये बताइए
ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय है। सारी अनुरूप वाली चीज अपरिमेय नहीं होती है, पहले बदलता हूं, सारी अनुरूप वाली चीज अपरिमेय नहीं होती है। तो रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन नहीं, क्योंकि रूट नाइन का क्या होता है, थ्री। तो थ्री के नीचे कौन कम होता है, क्या हो जाएगी, परिमेय। ठीक है, डॉट 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 डॉट, अब आपको बताइए। तो मैंने आज आपको बताया परिमेय, अब परिमेय कारण है, फिर मैं कल आपको बताऊंगा। और एक ही बदलता हूं, दो भिन्नों के बीच में या दो संख्याओं के मध्य अपन कितनी ही परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो कल मैं आपको बताऊंगा इसी टाइम, यानी परिमेय संख्या के बारे में आपको आगे परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, परिमेय संख्याओं की संख्या से सॉल्व करते हैं। फिर थोड़ा वैसे और बताऊंगा जो गोलमाल सूत्र कहते हैं अपन, पूर्णांक नियम, इंटीजर नियम क्या होता है, इंटीजर नियम मैंने आपको बताया, इंटीजर नियम, पूर्णांक नियम क्या, प्रत्येक संख्या पद्धति के बारे में हर एक चीज में आपको नियम बताऊंगा, जो आपके 9, 10 और आगे बहुत सारे हल का काम आता है। मतलब कहते हैं इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो उसका भी ज्ञान काफी स्टूडेंटों को नहीं है, तो हो सकता है अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन ही आपका काम यही है, घर पे रहिए एंड स्टे होम एंड सेफ लाइफ, ठीक है। और आगे भी मिलते रहेंगे, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। एज इट इज आपका काम यही है कि घर पे रहिए और ऑनलाइन आप क्लास में लुत्फ रहिए, और जो भी चीज कहना चाहते हो वो आप कमेंट में पूछ ही नहीं, ये प्रश्न नहीं, आप अपना फोन नंबर, फोन है आपके पास, बुक कीजिए और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाइए। और ऐसा नहीं है पढ़ाई